हेलो फूडीज़, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज बनाते हैं रोज़ाना की दाल से थोड़ा हटकर लहसुनी पालक दाल, जो कि ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी उतना ही गुणकारी है। हमेशा की तरह सामग्रियां डिस्क्रिप्शन में पाइए। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मसूर की दाल का प्रयोग किया है, जो कि मैंने 20 मिनट तक भिगो कर रखे हैं। आप अपने मनपसंद दाल का प्रयोग कर सकते हैं। मसूर और मूंग की दाल झट से बनकर तैयार हो जाती है। पानी में भिगोने से दाल फूलकर नरम हो गई है। इसके अलावा मैंने पालक अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिए हैं। दाल के लिए हमें चाहिए होंगे बारीक कटे प्याज और टमाटर और लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। इसके अलावा आपको चाहिए होगा मसाले, तड़के की सामग्रियां, घी और तेल। शुरू करते हैं। पानी के साथ मैंने दाल प्रेशर कुकर में डाल दी है। अब थोड़ा और पानी डालकर मैं इसे एक सीटी तक पकने के बाद सिम में 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। उसके बाद हम गैस स्टोव बंद कर देंगे। प्रेशर निकलने के बाद आप देख ही सकते हैं दाल हमारी पूरी तरह गल चुकी है। इसी कारण हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए तेल गरम करते हैं। कढ़ाई में हींग का तड़का डाला है मैंने। उसके बाद डालते हैं राई के दाने, ज़ीरा। दाने तड़कने के बाद डाले कड़ी पत्ते और बारीक कटे हरी मिर्ची। इसके अलावा आप अपने मनपसंद तड़के का उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने डाली है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का रंग हल्का होने तक हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके पश्चात डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा आप अपनी मनपसंद मसालों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर हमें थोड़ी देर टमाटर को पिघल के नरम होने देना है। ये देखिए टमाटर पूरी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बनाया हुआ दाल और बारीक कटे पालक की पत्तियाँ। पालक की पत्तियाँ आप दाल की मात्रा में ही लें। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। मुझे इस वक्त दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और धीमी आंच पे दाल को पकने दूंगी। ये आपके ऊपर है। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप सिम में बस 2-3 मिनट और पकाइए और स्टोव से उतार लीजिए। ये 5 से 7 मिनट बाद मेरी दाल बनके तैयार है। अब इसे स्टोव से उतार लेंगे। अब आखिर में सबसे ज़रूरी काम, लहसुन का छौंका लगाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी गरम कर रही हूँ पैन में। घी गरम होते ही मैं बारीक कटे लहसुन की कलियाँ उसमें डालूंगी और लहसुन को हमें हल्का भूरा होने तक ही पैन में रखनी है। उसके बाद तुरंत ही गैस स्टोव से उतार कर अच्छी तरह घी के साथ दाल के ऊपर छौंका लगाना है। लीजिए तैयार हो गई लहसुनी दाल पालक। वैसे तो लहसुन हमने आखिर में ही प्रयोग किया है, मगर ये लहसुन ही है जो इस दाल को एक
बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, लहसुन हल्का भूरा होने तक ही पैन में रखें अथवा ये जलकर दाल का स्वाद बिगाड़ देगी। दोनों लहसुन और पालक हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये दाल का व्यंजन और कमेंट में बताइए कि आपको ये व्यंजन कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो करें वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नए दर्शक, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्यंजन के साथ, तब तक बाय बाय।